अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवेस फैमिली व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, तो हम सब ने मिलकर, मैंने और बच्चों ने रूम को डेकोरेट किया है ताकि बच्चों के पापा को थोड़ा सा सरप्राइज़ दिया जा सके। और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारी सेटिंग हो गई थी और बहुत ही प्यारी लग रही है। हर साल की तरह इस साल भी बच्चों के पापा फ्लावर बुके लेकर आए थे मेरे लिए, क्योंकि वेडिंग एनिवर्सरी हो उस पर बुके गिफ्ट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये बहुत ही खूबसूरत है। और बच्चों ने भी फरमाइश की हुई थी कि उनको सुबह लंच में स्कूल के लंच के लिए पिज़्ज़ा लेके जाना है, इसलिए ये पिज़्ज़ा भी लेकर आए थे ताकि बच्चे सुबह स्कूल भी लेकर जा सकें लंच में। और इसके साथ मैकडोनल्ड से बर्गर भी लेकर आए थे। महीने में हम लोग कभी एक दफ़ा लेट नाइट इस तरह से डिनर कर ही लेते हैं, तो बस फिर ये हमने थोड़ा थोड़ा सा खा लिया था। अस्सलाम वालेकुम। तो आज, जैसे आप सबको पता है कि आज मेरे मामा बाबा की 11th वेडिंग एनिवर्सरी है, तो ये हमारे बाबा मेरी मम्मा के लिए ये फ्लावर्स लेके आए हैं और ये गिफ्ट भी है। हम सारों को पता है कि मोबाइल है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने इसको अनरैप करूंगी और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे बाबा मम्मा के लिए क्या गिफ्ट लेके आए हैं। तो आज वैसे हम लोग का डिनर भी जाने का प्लान भी था, लेकिन मेरे मामा की तबीयत खराब होगी तो अब हम लोग नहीं जा सकते और बाबा ने घर पे ही खाना पकवा लिया। तो आया, अब इसको खोलते हैं। इन सब में हमज़ा थोड़ा सा शरीफ है, क्योंकि हमज़ा को कोई फ़िक्र नहीं होती है, बस वो सारा दिन अपने में ही मगन रहता है। लेकिन हारिस और इब्राहिम दोनों बहुत ज़्यादा ही शरारती हैं। तो अब ये मोबाइल बस अब इनके हाथ लग गया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट लेना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और ये फिर चीज़ें ख़राब भी करते हैं। बाकी सब आप हरम से सुन लें। तो इस मोबाइल की एक ख़ास बात है कि इसके इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है, फिर इसके ऊपर 50 MP ट्रिपल कैमरा है विद OIS और इसकी स्क्रीन IP67 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है। और ये आप देख सकते हैं, ये फ़ोन है, इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब हम लोग ये ब्लैक कलर में बाबा लाया, फिर अभी मामा मोस्टली यही यूज़ करने वाली है। अच्छा लग रहा है ना, बहुत बहुत प्यारा मोबाइल है। एक केक अवेस लेकर आए थे और दूसरा केक बच्चों के बड़े पापा लेकर आए थे हम लोगों के एनिवर्सरी के लिए। और आज मेरी तबीयत सारा दिन बहुत ख़राब रही है, बहुत ज़्यादा बुखार था, क्योंकि कराची का वेदर बहुत ही अजीब सा हो रहा है। यहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई वायरस या वायरल चलता ही रहता है, इसलिए फिर हम लोग ने केक काटा और फिर डॉक्टर के पास आए ताकि टाइम से मेडिसिन ले लें। खैर से बुखार भी बहुत अच्छा खासा था, ऑलमोस्ट 102 तो था ही। उसके बाद बहुत सारी मेडिसिन एज़ यूजुअल डॉक्टर साहब ने देनी होती हैं, वो दवाइयां लेके घर आए
और बस फ़ौरन से ही मैंने मेडिसिन ली, क्योंकि आज हम लोगों का प्लान था कि हम लोग कहीं सब घर वालों के साथ बाहर डिनर करने के लिए जाएंगे, लेकिन बस तबीयत की वजह से वहाँ भी नहीं जा सके, इसलिए फिर अवेश ने बाहर से ही खाना बनवाया था। और रात के खाने के लिए ब्रोस्ट बनवाया था, चिकन ब्रोस्ट, और साथ में फ्राइज थे, मटन कढ़ाई थी, ये डिनर रोल थे। बस इसी तरह ही आज का सारा दिन गुजर गया और अगले साल तक इंतज़ार रहेगा कि फिर से एनिवर्सरी आए और हम लोग अच्छी सी सेलिब्रेशन करें। हम लोग इसी तरह से ही बस घर में ही थोड़ा बहुत अरेंज करके हमेशा ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और प्लीज़ हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमें बहुत सारा प्यार दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।